जोकर का प्रमोशन शुरू तो हो गया है, लेकिन फिल्म के हीरो के बिना ही। रिसेंटली सोनाक्षी पहुंची एक रियलिटी शो के सेट्स पर टू प्रमोट हर फिल्म जोकर, पर इनके साथ इस बार भी ना तो अक्षय दिखाई दिए और ना ही एलियंस। इससे पहले भी सोनाक्षी ने अकेले ही एलियंस के साथ इस फिल्म का प्रमोशन किया है। एंड दिस टाइम व्हेन वी आस्क सोनाक्षी की क्या वजह है कि अक्षय इस फिल्म के प्रमोशन पर नहीं आ रहे, तो देखिए क्या जवाब दिया सोनाक्षी ने। ये क्या बात हुई सोनाक्षी, आप ही की फिल्म के हीरो हैं और आप ही को वजह नहीं पता। That seems strange. अब तक दो फिल्म हिट दे चुकी सोनाक्षी इस बार भी कम एक्सपेक्टेशंस के साथ फिल्म प्रमोट कर रही हैं। अगर जोकर भी हिट हो गई तो सोनाक्षी के लिए ये होगी हैट्रिक। Who isn't? Everybody wants a hit. But of course, you know, let's go and see what happens because even before Dabang and Rowdy Rathod, I dropped all my expectations and look what happened. So keeping the fingers crossed and you know when anybody signs a film, उन्हें तो लगता है कि अच्छी फिल्म होगी. So let's see and hopefully it'll do well. Well, यहाँ ही सोनाक्षी ने अपने न्यू स्पेशल सॉन्ग गो गोविंदा के लिए एक्साइटमेंट भी दिखाई। ठीक जन्माष्टमी के वक्त रिलीज हुए इस सॉन्ग ने भी क्रिएट किया है बस, जिसे देखकर सोनाक्षी बहुत खुश हैं। बहुत बहुत खुशी की बात है। आई थिंक बहुत एक जबरदस्त गाना था, मैंने जब सुना मैं ऑटोमेटिकली डांस करने लग गई, तो ऑब्वियसली ऐसा लगता है कि एज अ जनरल ऑडियंस लोग भी सुनते हैं तो उन्हें भी ये गाना बहुत पसंद आता है। एकदम सही वक्त पर आया था जन्माष्टमी के एकदम पहले, तो आई थिंक इट पिक्ड अप एंड वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट। रोशनी दुबे, Zoom, मुंबई। Hi, this is Sonu Sood and subscribe to Zoom TV's channel on YouTube.